हेलो फ्रेंड्स, तो यहां पर हम करने वाले हैं नाइन्थ सीबीएसई का एक और चैप्टर जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। चैप्टर वैसे देखा जाए तो ज्यादा इसमें आपको टेंशन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आसानी से अगर आपने एक बार टेक्स्ट बुक एक बार भी रीड कर लिया तो आपको काफी चीजें इसमें से आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं विथ सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है। काफी टाइम अपने साइंस में भी सुना ये चीज, काफी टाइम इसको अपन ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स यानी कोई भी चीज जो हमारे यूटिलिटी की हो सकती है या फिर हमारे रोजाना की जिंदगी में हम यूज करते हैं, राइट, उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। जैसे ये बोर्ड रिसोर्स है, ये मार्कर रिसोर्स है, ये मैं रिसोर्स हूं, ये वीडियो रिसोर्स है, हर चीज जो हमारे काम आ सकती है वो रिसोर्स है, राइट। और फूड रिसोर्स, अब यहां पर फूड को रिसोर्स क्यों बोला गया है? हाउ फूड इज अ रिसोर्स, फूड कैसे रिसोर्स हुआ? अरे भाई, फूड से हमको खाने पीने की चीजें है ना, उसमें से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, ये सारी चीजें हमको फूड से ही तो मिलती हैं। तो यस, फूड तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, फूड इज इंडीड अ रिसोर्स, फूड रिसोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट डू वी नीड, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम फूड, क्या मिलता है भाई हमको? अरे वही चीज जो अभी बताई मैंने, कार्बोहाइड्रेट, और क्या मिलता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। अब इसमें भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये जो है ना, ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, यहां पर मैं लिख दूं, इनसे हमको एनर्जी मिलता है। विटामिन्स और मिनरल्स से क्या हमको एनर्जी नहीं मिलता? नहीं, इससे हमको एनर्जी नहीं मिलता, लेकिन ये देखो, इसमें वर्ड, दो वर्ड छिपा हुआ है, वाइटल अमाइन, ये कुछ इतने इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं कि बॉडी को ना मिले ना तो बॉडी एकदम तांडव कर देगा, बीमारियां कर देगा, है ना। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, है ना, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी, सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स, आपने पढ़ा होगा। तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स है, बॉडी को थोड़ी अमाउंट में चाहिए पर चाहिए। ठीक है, मिनरल्स का भी वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये दोनों जो है ना, ये न्यूट्रिएंट्स हमको एनर्जी नहीं दे रहे, इंपॉर्टेंट है, एनर्जी देने वाले ये है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जिसमें से बॉडी सबसे पहले एनर्जी किससे मांगता है, कार्बोहाइड्रेट की स्टॉक से, सेकेंड नंबर पे आता है प्रोटीन, और लास्ट में बॉडी किससे डिमांड करता है, फैट से। तो यानी कि अगर आप मोटे हो गए, ठीक है, या फिर मैं भी पहला बीच में मोटा हो गया था, तो यहां पर ये मोटे आदमी को, या फिर जब हमारे बॉडी में फैट आ जाता ना, तो फैट को मेल्ट करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना बहुत मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि हम जब डेली खाना खा ही रहे हैं तो हमारा बॉडी जो एनर्जी डेली रिक्वायरमेंट का है वो किससे मांगेगा, कार्बोहाइड्रेट से, तो फैट से कभी नॉर्मली मांगेगा ही नहीं, है ना। जब हम डाइट कर रहे हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि फैट का नंबर लगे, नहीं तो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट से पहले आएगा डिमांड एनर्जी का, सेकेंड फिर कार्बोहाइड्रेट ना रहा तो प्रोटीन के पास जाएगा बॉडी, और लास्टली किसके पास जाएगा, फैट के पास। इसके लिए फैट को हटाना बॉडी से या फिर कम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, हटा तो सकते नहीं वैसे, ठीक है, फैट जरूरी भी है पर बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, तो यहाँ पर हम ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमको फूड से मिलते हैं भाई, जरूरी है। तो ये न्यूट्रिएंट्स भी हम फूड से फिर उसी हिसाब से लेते हैं, जैसे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हम जो रोटी है ना, मतलब वीट, राइस, जो भी चीज़ कहो, है ना, राइस, ये सारी चीज़ें जो हम लेते हैं, जो अपने स्टेपल फूड में जो मेन सोर्स होता है, जिस जो चीज़ जैसे प्लेट है हमारा, तो सबसे ज़्यादा उसमें चावल या फिर सबसे ज़्यादा रोटी रहेगा ना, तो यानी फर्स्ट नंबर पे हम इसको रखते हैं, ये सबसे ज़्यादा रहता है हमारे, सीरियल्स कह सकते हो वो इसके अंदर है। ठीक है, प्रोटीन के लिए सोर्सेस क्या क्या है भाई, जो भी पल्सेस है, पल्सेस में क्या क्या आ सकता है भाई, जो भी दाल वाल आप कहते हो ज़्यादा करके, वो प्रोटीन के सोर्स है। इसके अलावा मिल्क के सोर्स ऑफ प्रोटीन है ना, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, नॉन वेज में जितनी चीज़ें हैं काफ़ी सारे, है ना, फिशेस गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। कमिंग टू फैट, फैट के लिए भाई, फैट के लिए बहुत सारे जो जहां से भी ऑयल एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट है ना, सनफ्लावर, और जितने भी ऑयल के जितने भी सोर्सेस हैं वो सब फैट हमको वहां से मिल जाएगा, है ना, घी एंड ऑल, वो सब वहां से भी हमको फैट मिलेगा। विटामिन्स और मिनरल्स हमको काफी टाइम
ऑब्वियसली दूसरे सोर्सेज से भी मिलते हैं, पर वेजिटेबल्स से भी हमको मिलता है विटामिन्स और मिनरल्स का कंटेंट, ठीक है, वेरियस डिफरेंट वेजिटेबल्स से, ओके तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें जरूरी हैं, मतलब ऑब्वियसली फूड हमको चाहिए तभी ये सब चीज़ें मिल पाएंगी, ओके तो यहाँ पर व्हाई डू वी नीड इम्प्रूवमेंट, अब यहाँ पर अगला सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाई फूड के अंदर, फूड सेक्टर में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों है, तो ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट इसलिए ज़रूरत है क्योंकि क्या हो रहा है ना, देखो यहाँ पर अब ये दोनों जो सवाल है, व्हाई डू वी नीड इम्प्रूवमेंट एंड व्हाट टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट डू वी नीड, इन दोनों का मतलब जवाब एक जैसा ही होगा कि आज की रेट में आप देख सकते हो कि हमारा पॉपुलेशन, अगर हम इंडिया की बात करें तो पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ा हुआ है और कितना ज़्यादा है, हम सेकंड नंबर पे हैं, अब हो सकता है कुछ दिनों में हम फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, तो पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है और इस पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए, इनको खाना खिलाने के लिए भी हमको उस हिसाब से फूड प्रोडक्शन चाहिए, है ना, तो यानी कि फूड प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि वी नो दैट पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, और दूसरी चीज़, इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, करप्शन बढ़ रही है फूड में, लोग बहुत सारा एडल्ट्रेशन कर रहे हैं ना, इम्प्योरिटीज मिलावट कर रहे हैं, तो यानी कि उसकी क्वालिटी भी ख़राब कर दी जा रही है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए, और कौन से सेक्टर में चाहिए, तो याद रखना यहाँ पर हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी, है ना, बढ़ते पॉपुलेशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी हो जाएगी, और दूसरा है क्वालिटी, तो वी नीड इम्प्रूवमेंट इन फूड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है, और यहाँ पर विच सेक्टर डू विल बी टारगेट, यहाँ पे हम जब फूड इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे तो कौन से सेक्टर में हम बेसिकली फूड हमको कहाँ से मिलता है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो कह सकते हो कि भाई दो चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर, एक वेज के कॉन्टेक्स्ट में, एक नॉन वेज की कॉन्टेक्स्ट में, राइट, तो यानी कि एक सेक्टर हो जाएगा एग्रीकल्चर, ठीक है, और दूसरा सेक्टर हो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर में जब हम इंप्रूवमेंट की बात करेंगे यहां पर, तो कौन से मतलब तीन मेन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम इस पार्ट को पढ़ेंगे एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में, ठीक है, यहां पर बात होगी क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की, क्रॉप की वैरायटी को कैसे इंप्रूव किया जाए वो डिस्कशन होगा, बहुत सारी चीजें आएंगी उसके अंदर, ठीक है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, हाई वैरायटी सीड्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे, और ठीक है ये सारी बातें यहां पर हम करेंगे क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, इसके बाद क्रॉप वैरायटी अगर इम्प्रूव हो गई तो हमको प्रोडक्शन भी बढ़ाना है ना, तो यानी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये भी हमको यहां पर डिस्कस करना होगा, और लास्टली अगर आपने क्रॉप, अच्छी वैरायटी का क्रॉप भी प्रोड्यूस कर लिया, ज्यादा क्रॉप भी प्रोड्यूस कर लिए, फिर उसको बारी आती है उसको बचाने की भी, नहीं तो फिर इंसेक्ट और वीड से तो भाई नुकसान हो सकता है ना, तो यानी कि यहां पर क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की भी बात होगी, ठीक है, तो यहाँ पर इस पार्ट में अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो बेसिकली हम यहाँ पर ये तीन कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ेंगे, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, या क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, है ना, और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ये हम इस हिसाब से बात करेंगे, ठीक है, और जब हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की, अब देखो जैसे ये एग्रीकल्चर की बात हो रही है ना, तो आपको पता होगा कि भाई जैसे जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा था इंडिया में, एक पॉइंट पे 90s में यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने लाया था, और उन्होंने ऑब्वियसली इस सेक्टर में, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो स्टेप्स उठाए मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करके, मॉडर्न फार्मिंग का यूज़ करके, और इंडिया में एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाया गया था, दैट वॉज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, और उसी के थोड़ा मतलब कुछ आसपास टाइम बाद, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन लाया गया था, दैट वॉज फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक यानी वही एनिमल हस्बेंड्री में आएगा, आप देखो यहाँ पर इसको हमको कौन से कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, तो मेनली यहाँ पर कैटल फार्मिंग, ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, ओके, क्या क्या करना पड़ता है उस ऑक्यूपेशन में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी, ठीक है,
कैटल फार्मिंग के अलावा यहां पर बात होगी फिश प्रोडक्शन की, ठीक है? आपको पता होगा फिश अगेन अ चीप सोर्स ऑफ, और आप बोल सकते हो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये, ठीक है? और सस्ते में ये प्रोटीन मिल जाता है, ओके? इसके अलावा हम बात करेंगे यहां पर पोल्ट्री की, मुर्गी पालन, ठीक है? ये हो गया मवेशी पालन, ये हो गया मछली पालन, ये हो गया मुर्गी पालन, और पोल्ट्री के बाद नंबर आएगा जो हमको दिया हुआ है एपीकल्चर। एपीकल्चर यानी क्या? एपीकल्चर यानी बी कीपिंग, है ना? बी कीपिंग, यहां पर हनी और वैक्स की प्रोडक्शन के लिए ये जो एपीकल्चर है वो करा जाएगा, ठीक है? तो इस चैप्टर में हमको ये सब, समझो कि इतने पार्ट्स हमको यहां डिस्कस करने हैं डिटेल में। इस पार्ट में हम एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, इस सेक्टर में कैसे हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर इसके भी तीन पार्ट्स में हमको इसको पढ़ना है। पहला है क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, हमको इंप्रूवमेंट कहां लाना है, क्रॉप की वेराइटी में, है ना? उसका वेराइटी जो है वो कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सेकेंड यहां पर हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी कि यहां पर प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, क्वांटिटी जो है वो कैसे इंप्रूव करी जाए, ये यहां पर डिस्कस किया जाएगा। और तीसरा होगा क्रॉप प्रोटेक्शन, जो क्रॉप प्रोड्यूस कर लिया या फिर जो फार्म में है उसका नुकसान हो सकता है ना, जर्म्स वीड्स ये सब कुछ उसको नुकसान कर सकते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए ये डिस्कस करा जाएगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि भाई क्रॉप्स जो हैं, है ना, ये अलग अलग टाइप के कंडीशंस में ग्रो होने वाले, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं, यानी अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, है ना? किसी कोई ज्यादा टेम्परेचर में ग्रो होता है, कोई ज्यादा पानी में, है ना, ज्यादा बारिश के सीजन में ग्रो होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो ब्लैक सॉइल में ग्रो होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अलूवियल सॉइल में ज्यादा अच्छा ग्रो होते हैं, और ऐसे भी हैं जिनको अलग अलग फोटो पीरियड्स, है ना, मतलब हम लोग खरीफ क्रॉप की बात करते हैं, रबी क्रॉप की बात करते हैं, अलग अलग फोटो पीरियड मतलब डिफरेंट सनलाइट का अलग अलग इंटेंसिटी जो है वो चाहिए होता है। तो ये सारी चीज, है ना, अलग अलग क्रॉप को अलग अलग बनाती है। तो उसके हिसाब से हमको ये पता होना चाहिए भैया वेराइटी, है ना, जो डिफरेंट वेराइटीज है क्रॉप्स की उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात यहां पर आ जाती है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। नाउ व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन करना, क्रॉसिंग करना दो अलग अलग वेराइटीज के, अलग अलग कह सकते हो आप स्पीशीज के प्लांट्स को आपस में क्रॉस करना और उससे एक अलग, एक डिजायर्ड वेराइटी या डिजायर्ड क्वालिटी को ऑब्टेन करना, ठीक है? यहां पर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ये चीज हमको क्लियर होगी कैसे हम वेराइटी को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हम ये जानते हैं कि भैया जो एक पर्टिकुलर फार्म एरिया है, ठीक है, उस फार्म एरिया में से सपोज कि एक क्विंटल राइस ऑब्टेन हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो अगर सपोज मेरे को ऐसा कोई सीड मिल जाए या ऐसा कोई राइस का सीड मिल जाए जिससे कि मैं वही फार्म में, उसी फार्म में ज्यादा मतलब प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ, समझो कि अब उस एक क्विंटल की जगह मैं दो क्विंटल ऑप्टेन कर पा रहा हूँ या डेढ़ क्विंटल ऑप्टेन कर पा रहा हूँ बाई यूजिंग दिस टाइप ऑफ सीड, एक अलग टाइप ऑफ हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, HYV सीड्स बोलते हैं, ठीक है? तो ये सीड यूज करके हम उसकी वेराइटी को, है ना, ऐसा इंप्रूव कर रहे हैं जिससे क्वालिटी या प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है, राइट? तो यानी कि हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज क्रॉसिंग बिटवीन टू डिसिमिलर वेराइटी प्लांट्स जिससे कि अच्छी डिजायर्ड वेराइटी ऑब्टेन की जा सके। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आज जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके कुछ ऐसे मतलब डिजायर्ड कैरेक्टर्स भी हम एक पर्टिकुलर प्लांट के सीड में ऐड कर सकते हैं जिससे कि हम ऐसे मतलब सीड्स ऑब्टेन कर सकते हैं जिससे ऐसा प्लांट ऑब्टेन होगा, ऐसा प्लांट बनेगा जो किसी भी कंडीशन में, बारिश कम हो, ज़्यादा हो, ना हो, है ना, तो हम कम इरिगेशन से कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे एक्सट्रीम कंडीशन में उसके पास एक रेजिस्टेंस की एबिलिटी आ जाएगी, ऐसे कैरेक्टर्स को भी हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है? तो ये चीज़ भी अचीव किया जा सकता है आज की डेट में, ओके? तो यहाँ पर अब कौन से फैक्टर्स में हमको, कौन सी वेराइटीज में क्या क्या इंप्रूव करना पड़ सकता है वो आपको पढ़ना है, ठीक है? फैक्टर्स फॉर विच वेराइटी इंप्रूवमेंट कैन बी डन, पहला है हायर यील्ड, ठीक है? हायर यील्ड का मतलब क्या? हाँ भाई, प्रोडक्शन को बढ़ाना, है ना? जैसे मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर फार्म एरिया से मेरे को अगर
एक क्विंटल क्रॉप मिल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है कोई भी, सपोज राइस या वीट जो भी है, अगर मैं कुछ ऐसी वैरायटी मेरे को मिल गई कि मैं अब उसी उतने ही फार्म एरिया में अब डेढ़ क्विंटल या ना 1.5 क्विंटल या 2 क्विंटल राइस या वीट ऑब्टेन कर पा रहा हूँ, तो यानी क्या हमने उसके यील्ड को बढ़ा दिया, ओके। और इसके अलावा दूसरा है इम्प्रूव्ड क्वालिटी, और हम किस चीज़ में मतलब वैरायटी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं क्वालिटी इम्प्रूव करके। जैसे मान लो कि मैं पहले जो ग्राउंडनट ग्रो करता था, ठीक है, किसी फार्म में, उस ग्राउंडनट का क्वालिटी ऐसा था कि वो 100 केजी ग्राउंडनट अगर मैं ऑब्टेन कर रहा हूँ तो उससे जो ऑयल ऑब्टेन हो पा रहा है दैट इज ओनली सम सपोज 60 लीटर ऑयल ऑब्टेन हो पा रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करके या जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करके ऐसा ग्राउंडनट का मेरे को सीड मिला, ऐसी वेराइटी मिली, जिससे क्या हो रहा है कि अब उस 100 केजी ही ग्राउंडनट में से अब मैं ज़्यादा मान लो 70 या 75 लीटर अगर ऑयल ऑब्टेन हो पा रहा है, यानी ऑयल कंटेनिंग जो कैपेसिटी है, जो क्वालिटी है, वो इम्प्रूव हो गई, तो यानी इम्प्रूव क्वालिटी उसी को कहेंगे, है ना। या फिर ये कह सकते हो आप कि जैसे अगर मान लो हम कुछ ऐसा वेजिटेबल्स ऑब्टेन कर रहे हैं, जैसे टोमेटो हो गया, टोमेटो का शेल्फ लाइफ यानी कि उसका जो प्रिजर्विंग लाइफ है वो काफ़ी कम होता है, राइट। तो अगर हमने कुछ ऐसी वैरायटी ऑब्टेन करी जिसमें ऐसा टोमेटो ऑब्टेन किया है जिसका शेल्फ लाइफ या प्रिजर्विंग लाइफ बहुत ज़्यादा है, वो फार्म से लेके किसी के घर तक पहुँचने तक है ना मार्केट, इतना सारा लंबा सफ़र वो तय करता है, तब तक वो ख़राब ना हो तो कितना अच्छा हो, कितना वेस्टेज बचेगा। तो ये सारी चीज़ों में हमको इम्प्रूवमेंट है ना, क्वालिटी में ऐसे हमको इम्प्रूवमेंट लाना है, ओके। इसके अलावा यहाँ पर दिया है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। अब जैसे मान लो कि कुछ जर्म से है ना, वायरस से, फंगाई से, कुछ ऐसे क्रॉप्स है वो जल्दी उस पर मतलब हार्म कर देते हैं वायरस क्रॉप्स को, नुकसान करते हैं। तो अगर मैंने कुछ ऐसी वैरायटी ऑब्टेन कर ली क्रॉप्स की बाय हाइब्रिडाइजेशन और बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, कुछ ऐसी वैरायटी ऑब्टेन कर ली जो बहुत डिसीज रेजिस्टेंट है, उसको ना मतलब काफ़ी मतलब फंगसेस और वायरसेस जो है उसको नुकसान नहीं कर पा रहे, है ना, तो ऐसी वैरायटी भी हम एक्सपेक्ट करेंगे, डिज़ायर करेंगे। और एबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या कि ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा बारिश या कम बारिश या कम टेम्परेचर, ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी वो प्लांट जो है, वो क्रॉप जो है, वो अच्छा प्रोडक्शन दे पा रहा है, ऐसी वैरायटी हम एक्सपेक्ट करेंगे या फिर हम हाइब्रिडाइजेशन से अचीव करना चाहेंगे, राइट। इसके बाद चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि मान लो एक, क्योंकि हमारे इंडिया में दिक्कत क्या है, हमारा लैंड एरिया है ना, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ऑलरेडी हम एक एग्रीकल्चर वाली कंट्री है, मतलब हमारा एक मैक्सिमम लैंड एरिया हम एग्रीकल्चर यूज़ करते हैं, पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका है कि हम ज़्यादा और लैंड को एग्रीकल्चर के लिए कंपलसेट नहीं कर सकते, राइट। तो अब हमको क्या करना होगा, ये चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन। यानी अगर मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप है जो जिसको पूरा ग्रो होके मतलब उसको स्टार्ट से लेके एंड तक हार्वेस्ट करने तक अगर मान लो वो 4 महीने ले रहा है या 5 महीने ले रहा है, तो अगर किसी तरीके से हम कुछ ऐसा कर पाए, कुछ उसका उसमें ऐसा चेंजेस कर पाए कि अब जो उसका मेच्योरिटी है वो 4 महीना या 5 महीना नहीं, वो 3 या 3.5 महीने में मेच्योर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जल्दी मेच्योर होने से क्या होगा, एक यूनिफॉर्म मेच्योरिटी आएगी जिससे कि वो क्रॉप ख़राब नहीं होगा, एक वो चीज़ रहेगी। और दूसरा क्या, जल्दी मेच्योर होगा तो हम उस लैंड एरिया में ज़्यादा साल में ज़्यादा क्रॉप्स हम ग्रो कर पाएंगे, राइट। तो यानी ये बेनिफिट हो सकता है अगर हम मेच्योरिटी ड्यूरेशन को चेंज कर पाए किसी क्रॉप की बाई हाइब्रिडाइजेशन और एनी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद वाइडर अडेप्टेबिलिटी, ये हमने ऑलरेडी समझो यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया कि जैसे अगर एक क्रॉप है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, रीजन में ज़्यादा ग्रो होता है, जैसे मान लो कि कॉटन है जो ब्लैक सॉइल में ज़्यादा ग्रो होता है, तो अगर हमने ऐसा कोई कॉटन ऑब्टेन कर लिया जो दूसरे अलूवियम या दूसरे सॉइल में भी अच्छे से ग्रो हो सके, तो ऐसी अडेप्टेबिलिटी वाली यानी अलग अलग कंडीशन में ग्रो किया जा सके, ऐसा हम वेराइटी एक्सपेक्ट करेंगे ना, डिज़ायर करेंगे। इसके बाद डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या, अब इसमें मतलब कुछ खास बातें आती है, जैसे कि अगर मान लो कि मैं राइस या वीट है ना, कुछ ऐसा मतलब प्लांट चाहता हूँ कि जो खुद बहुत ज़्यादा प्लांट बहुत ग्रो ना करे, ऐसा वो प्लांट का साइज़ या उसके पत्तों ही खाली पत्ते पत्ते ग्रो करे ऐसा नहीं चाहता मैं,
है ना, मैं ये चाहता हूं कि वो छोटी साइज का रहे और उसमें राइस या वीट भर भर के आए। ऐसा क्यों चाहता हूं मैं? ज्यादा लंबा पेड़ क्यों नहीं चाहता मैं? टॉल प्लांट क्यों नहीं चाहता? ड्वार्फ की क्यों चाहता हूं मैं सीरियल्स एंड ऑल में? क्योंकि हमको वहां पर राइस या ग्रेन वीट से ही मतलब है, ग्रेन से ही मतलब है, हमको उसके पत्तों से कोई काम नहीं है। बल्कि पत्ते ज्यादा बढ़ेंगे तो उसमें उसको खाने के लिए इंसेक्ट आएंगे या फिर वो न्यूट्रिशन ज्यादा लेगा, है ना। तो यानी ये चीज नहीं चाहते हम, नंबर ऑफ ग्रेन ज्यादा चाहते हैं उसमें, लेकिन प्लांट की साइज छोटी चाहते हैं, है ना। तो ये एग्रोनॉमिक कैरेक्टर में आता है। या फिर आप कह सकते हो जो फॉडर क्रॉप है, जैसे मान लो कि जो हम भेड़ बकरी को जो खिलाने के लिए, गाय भैंस को जो खिलाने के लिए जो फॉडर क्रॉप जो ग्रो करते हैं, उसमें हम नहीं चाहेंगे कि वो ड्वार्फ हो, उसमें हम बल्कि क्या चाहेंगे कि वो टॉल हो। तो जितना हो सके उतना टॉल हो। तो ऐसी चीजें हम, ऐसे कैरेक्टर्स हम ऐड करेंगे, यानी हम सीरियल्स और जो ग्रेन्स है उनके अंदर कौन सी वैरायटी चाहेंगे कि वो ड्वार्फ हो, प्लांट छोटे हो, ज्यादा ग्रेन्स आए, लेकिन फॉडर वाले हम क्या चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा टॉल हो। तो उस हिसाब से हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करके और चीजें अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मतलब क्या कि ऐसी वैरायटीज सीड्स की ऑब्टेन करनी है, ऐसी HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ऑब्टेन करनी है जिसमें ये सारे फीचर्स, है ना, ऐड होते जाए और हमारा प्रोडक्शन जो है बढ़ सके, है ना। मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करके हम ये सब चीजें अचीव कर पा रहे हैं। इसके बाद सेकेंड बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट की। क्रॉप प्रोडक्शन यानी यहाँ पर हम किस बारे में बात करेंगे समझ में आ रहा है कि हम एग्जैक्टली क्रॉप की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सके। हमारे पास अच्छी वैरायटी सीड्स भी आ गई तो प्रोडक्शन को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चीजों के बारे में खास बात होगी, ठीक है। वन इज अबाउट प्लांट का न्यूट्रिशन, है ना, मैन्यूअर फर्टिलाइजर ये सब डिस्कस करेंगे। दूसरा होगा इरिगेशन कैसे हम कर सकते हैं, और इसके बाद तीसरा होगा क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन की, तो जैसे हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, फैट चाहिए होता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे फूड में चाहिए होता है हमको ये सब चीजें, वैसे ही प्लांट्स को भी उनके लाइफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो चाहिए होते हैं। अब उनको वो सब चीजें कहां से मिलती है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली यहां पर देखो, काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यानी प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए 16, टोटल 16 प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होते हैं, ठीक है। देखा जाए तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है उनमें ये 16 जो न्यूट्रिएंट्स है नॉर्मली प्लांट को चाहिए होते हैं। अब इन 16 न्यूट्रिएंट्स में से भी कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाता है भाई? CO2 कहाँ से मिल जाता है? एयर से, है ना। तो ये दो न्यूट्रिएंट्स तो भैया एयर से मिल गए। फिर H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से मिल जाता है उनको? वाटर से। तो ये न्यूट्रिएंट्स तो आसानी से मिल गए, एयर से, वाटर से। बाकी जितने न्यूट्रिएंट्स है, देखो तीन यहां पर हो गए, बाकी जो उनको 13 न्यूट्रिएंट्स है, 16 में से तीन यहां पे हो गए, और 13 न्यूट्रिएंट्स उनको कहां से चाहिए होता है? ये वाले न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होते हैं सॉइल से। याद रखना ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल से चाहिए। क्या क्या है इसमें? इसमें है नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, आयरन है, मैंगनीज है, बोरॉन है, जिंक है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है और क्लोरीन है, ठीक है। इतने सारे न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में चाहिए होते हैं। अब इसमें से भी सबसे ज्यादा ये जो ऊपर जो हमने लिखे हैं ना, ये उनको ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। इसके लिए इन न्यूट्रिएंट्स को, जो यहाँ 6 न्यूट्रिएंट्स है, दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या? वो न्यूट्रिएंट्स जो उनको ज्यादा अमाउंट में, मैक्रो मतलब मोर, ठीक है, तो ज्यादा अमाउंट में चाहिए। और बाकी जो यहाँ 7 न्यूट्रिएंट दिख रहे हैं, यानी कि आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन, इनको कहा जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये दोनों मैक्रो और माइक्रो सॉइल से ही ऑब्टेन होंगे, लेकिन ये प्लांट्स को ज्यादा अमाउंट में चाहिए और ये प्लांट्स को माइक्रो यानी कम अमाउंट में चाहिए, ठीक है। तो ये प्लांट के न्यूट्रिएंट्स के या उनके नरिशमेंट के बारे में बेसिक बात हो गई, ठीक है। अब इसमें भी तो ये चीज आप याद रख लो तो बेटर होगा, इसमें भी याद रखना कि सॉइल से ज्यादा करके उनको, है ना, सॉइल से ये न्यूट्रिएंट्स ज्यादा चाहिए होता है प्लांट को। मैक्रो में भी NPK फर्टिलाइजर से, याद करो, फर्टिलाइजर से मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ही मिलता है, ओके। तो यहां पर मैन्यूअर और फर्टिलाइजर की बात होगी जो ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। अब मैन्यूअर और फर्टिलाइजर में क्या मेजर डिफरेंस है, याद रखो, मैन्यूअर जो है वो ऑर्गेनिक है, जो हमको नॉर्मली कोई भी बायो वेस्ट से, या फिर मतलब जैसे आप कह सकते हो एनिमल एक्सक्रीटा, है ना, इसके अलावा लीव्स, ये सारी चीजें से मैन्यूअर बन जाती है,
ओके, यानी ये बनता है फार्म के अंदर, ठीक है, फार्म के अंदर बन जाता है, जबकि फर्टिलाइजर कहाँ बनता है, ये बनता है फैक्ट्री में कमर्शियली, है ना, न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को दिए जाते हैं वो फर्टिलाइजर फैक्ट्री से ये चीज़ कमर्शियली ग्रो मतलब बनाई जाती है, ठीक है, टू ऐड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। पर याद रहे कि ये जो फर्टिलाइजर है इसमें ह्यूमस नहीं होता, ह्यूमस क्या है, जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक समझो कि जो ऐसे बैक्टीरिया जो हेल्प करते हैं, है ना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमको हेल्प करते हैं हमारे सॉइल को तो फर्टाइल बनाने में, तो वो ह्यूमस से क्या होता है, सॉइल क्ले ही होता है और बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी आती है, तो वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, ऑर्गेनिक चीज़ नहीं होती फर्टिलाइजर में, केमिकल है प्योर, और इसमें ऑर्गेनिक चीज़ भी होती है क्योंकि ये फार्म में बना हुआ हमारा बायो वेस्ट से ही बना हुआ चीज़ है। तो दोनों ऐसा नहीं कि भाई इसमें कोई नुकसान है, ये मेनली नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम देने वाला न्यूट्रिएंट कहो तो यही है मेन, और फर्टिलाइजर को भी यूज़ करना चाहिए ऑब्वियसली, पर ज़्यादा हमको मैनुअर यूज़ करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज मैनुअर जो है हमारे सॉइल के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है, सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए, लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म अगर यूज़ करोगे, ज़्यादा यूज़ करोगे तो सॉइल जो है मतलब 3-4 साल के बाद ये काफ़ी सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगा, उसको वापस आपको 1 साल तक बैरन छोड़ना पड़ेगा, तब वो रीगेन करेगा अपनी फर्टिलिटी। तो यानी ज़्यादा हम फर्टिलाइजर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इस पर डिपेंड करना भी पड़ता है, तो इन दोनों का ऐसा बैलेंस हमको करना होगा, यूज़ करना होगा, ताकि जो हमारा सॉइल है वो फर्टाइल भी रहे और उसका जो ह्यूमस है वो भी ख़त्म ना हो, ठीक है। याद रहे फर्टिलाइजर अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा पानी भी यूज़ करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा पानी यूज़ करने से क्या होगा कि वो वॉश अवे होके और फिर हमारे वाटर बॉडी में जाके और पोल्यूशन भी कर सकता है, तो ये दिक्कत है, फर्टिलाइजर पोल्यूशन भी कर सकता है, मैन्योर नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें अब यहाँ पर मैन्योर की, तो मैन्योर में भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको दी है इस पार्ट में। अब क्या दिया हुआ है देखो, मैन्योर में आपको कंपोस्ट के बारे में दिया है और एक है ग्रीन मैन्योर के बारे में। तो व्हेन आई से कंपोस्ट, याद रखना कंपोस्ट यानी क्या, जमीन में फार्म में एक ऐसा समझो कि कुछ फीट का गड्ढा खोदा जाता है ना, एक पिट बनाई जाती है और इसके अंदर एनिमल एक्सक्रीटा, मान लो कि जो गोबर, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर ऐड करी जाएगी, एनिमल डंग, काउ डंग, ठीक है, वो ऐड किया जाएगा, फिर पत्ते डाले जाएंगे उसके ऊपर, थोड़ा मिट्टी डाली जाएगी, फिर थोड़ा सा एनिमल डंग, फिर पत्ते मिट्टी थोड़ा सा, फिर एनिमल डंग, ठीक है, और इस तरीके से ये कुछ दिनों के लिए इस चीज़ को छोड़ दिया जाएगा, कुछ हफ्तों के लिए, और कुछ हफ्ते बाद ये एकदम इसका एक समझो पूरा फर्मेंटेशन डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगा, जिसके बाद ये एक बहुत अच्छा मैनुअर की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो याद रखना ये चीज़, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड कंपोस्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कंपोस्ट कहते हैं। और जब हम बात करते हैं, इसमें एक और आता है वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है ना कि उसमें अर्थवर्म्स भी ऐड किए जाते हैं उसके लेयर्स में, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से उसके वो एक अच्छा मैनुअर फॉर्म करे। अर्थवर्म आपको पता होगा हमारे सॉइल के लिए कितना अच्छा है, वो और अच्छे से लूजन करेगा इस चीज़ को, प्रोसेस को और फास्ट भी करेगा, ठीक है। तो ये कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट हो गया, ठीक है, जिसमें वर्म यूज़ कर दिया वर्मी कंपोस्ट हो गया, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करते हैं ग्रीन मैन्यूअर की, तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे सन हेम्प है, गौर है, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हम अपना एक्चुअल, जैसे कि हमको राइस की खेती करनी है या वीट की खेती करनी है या मेज जो भी है, तो उसको हम सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सॉइल का फर्टिलिटी जो उसका न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे डेप्थ में चला गया होता है। तो क्या कर सकते हो आप, ये वाले प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। ये प्लांट्स क्या होते हैं ना, मतलब इस जैसे जो आपको क्रॉपिंग करनी है उसके जस्ट पहले कुछ समझो हफ्तों पहले ये चीज़ ग्रो करनी है, ये ग्रो करोगे तो ये बहुत आसानी से बहुत फटाफट ग्रो करते हैं और सॉइल के डेप्थ से इनके रूट्स जो है न्यूट्रिएंट्स खींच के ले आएंगे, जिससे अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स है वो सरफेस पे आ जाए, इनके अंदर आ जाएगा, और फिर इनको हम उखाड़ देंगे, जब प्लोइंग करेंगे तो ये सब उखड़ जाएंगे, और जो सारे न्यूट्रिएंट जो अंदर चले गए थे वो इन्होंने खींचे थे, और ये जब उखड़ गए तो ये सब न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ गए, सॉइल की सरफेस पे आ गए, राइट। तो इस तरीके से जो इसको ग्रीन मैन्योर कहा जाता है, इस तरीके से सारे न्यूट्रिएंट्स सरफेस पे आ गए, ठीक है। बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोडक्ट्स होता है आप देखते हो मॉल्स एंड ऑल में कितने महंगे मिलते हैं, है ना, जो देसी टमाटर, ठीक है ना, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है,
क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई भी केमिकल्स यूज करे नहीं जाते, चाहे हम फर्टिलाइजर की बात करें या पेस्टिसाइड की बात करें या फिर स्टोरेज के लिए जो भी केमिकल्स यूज किया जाता है, वो यहाँ पर बिल्कुल केमिकल यूज नहीं किया जाता, ठीक है। यानी कंप्लीटली यहाँ पर ऑर्गेनिक चीज़ों से ही काम चलाया जाता है। यानी अगर हमको पेस्टिसाइड भी यूज करना है तो वो बायो पेस्टिसाइड होगा, बायो फर्टिलाइजर्स होंगे, ठीक है। नीम के पत्तों से यहाँ पर काम चलाया जाएगा और प्लांट्स को जो प्रोटेक्शन देनी है वो दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल केमिकल यूज नहीं करना है। ऐसी फार्मिंग में प्रोडक्शन ऑब्वियसली थोड़ा कम होता है, नॉर्मल जो हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसमें प्रोडक्शन कम रहेगा क्योंकि केमिकल्स यूज नहीं किए जा रहे। पर ये जो है हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आजकल ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें इरिगेशन की, तो यानी क्या इरिगेशन क्या होता है, लार्ज स्केल में वाटर को प्लांट मतलब प्लांट्स को वाटर देना, ठीक है, वाटर को प्लांट्स नहीं दे सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सी चीज़ें आ सकती है भैया, इनमें आ सकता है एक तो भाई रेनफॉल तो है ही, पर रेनफॉल बड़ा ही अनसर्टन है, मानसून टाइप का रेनफॉल है इंडिया में, तो भाई ये कब आए कब ना आए इस पर तो डिपेंड नहीं कर सकते, तो हम रिवर सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, कैनल्स पे डिपेंड करते हैं, है ना। इसके अलावा वेल पे डिपेंड करते हैं, वेल में भी दो आता है, एक आता है डग वेल जिसको हम कुआं कहते हैं और एक आता है ट्यूब वेल जिसको हम बोर वेल भी कहते हैं, है ना। तो दो हो गया इसके अंदर, एक हो गया ट्यूब वेल, एक हो गया डग वेल। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिससे हम इरिगेशन कर सकते हैं। इरिगेशन के लिए भी वाटर को भी हमको बचाना है अगर, तो यहाँ पर भी हम स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप मेथड, बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पर ड्रिप स्प्रिंकलर ये मेथड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी जगहों पे ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए चेक डैम्स भी बनाए जाते हैं, ताकि जो वाटर है वो अंदर सीप हो जाए ग्राउंड में, और ताकि ग्राउंड वाटर बढ़े और फिर ग्राउंड वाटर से आपको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं फॉर इरीगेशन, ठीक है। तो चेक डैम्स का भी आजकल यूज़ किया जा रहा है जो लो लाइंग एरिया है जहाँ से पानी समुद्र में निकल सकता है, राइट। बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की। जब बात करते हैं हम क्रॉपिंग पैटर्न की तो क्या क्या आता है यहाँ पर, याद होगा आपको अपने अगर पढ़ा है, इसमें आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग आती है, और क्या आता है इसमें, इंटर क्रॉपिंग आता है, और क्या आता है इसमें, इसमें आता है क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी क्या, एक ही फार्म में अलग अलग कॉम्बिनेशन के क्रॉप्स उगाना, जैसे कि मान लो वीट के साथ हमने उगा दिया है ग्राम, ठीक है, या वीट के साथ उगा दिया हमने मस्टर्ड, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में क्रॉप्स को उगाना, जिससे क्या होगा कि किसी एक क्रॉप के मतलब ख़त्म होने का चांसेस या फिर डैमेज होने का चांसेस कम रहेगा, और जो हम न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं वो दोनों बराबर से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। देखो अब हम इसमें ऐसे कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं जिसमें सभी प्लांट्स को एक तरह के न्यूट्रिएंट्स ही नहीं चाहिए होते, किसी को मान लो नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, मान लो वीट को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए तो ये, या फिर ग्राम को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए तो ग्राम जो है वो नाइट्रोजन खींचेगा, ठीक है। वीट को मान लो दूसरे न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, पोटेशियम फॉस्फोरस वो ले लेगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किए जाते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो यूनिफॉर्मली यूज़ भी हो जाए, और जो कोई एक क्रॉप को ख़त्म होने का या समझो कि जो रिस्क है क्रॉप डिस्ट्रॉय होने का वो भी कम रहेगा, है ना। एक समझो बारिश पे डिपेंड करता है, बारिश नहीं हुई तो भाई दूसरा वाला तो रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे करी जाती है, ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग, ओके। इसमें हमको जो न्यूट्रिएंट्स है वो बराबर यूज़ होते हैं, और जो रिस्क होता है क्रॉप के डैमेज होने का, है ना, या नहीं जमने का, जर्मिनेशन का, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इंटरक्रॉपिंग इज ऑलमोस्ट लाइक मिक्स क्रॉपिंग, पर यहाँ पर एक एडिशनल क्या चीज़ करी जाती है ना, कि इसमें ना फार्म के अंदर ऐसे पैटर्न में, मतलब मान लो कि यहाँ पर तीन रोज उगाए गए किसी एक प्लांट के, फिर अगले तीन रोज उगाए गए किसी दूसरे प्लांट के, ठीक है। तो यानी ऐसे रो वाइज, ठीक है, दिस इज प्लांट क्रॉप वन, दिस इज क्रॉप टू, अगेन दिस इज क्रॉप वन, तो ऐसे इसको कहा जाता है इंटरक्रॉपिंग। सबसे बड़ा फायदा क्या है, न्यूट्रिएंट्स का तो शेयर करेंगे वो लोग, और उससे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर कोई डिसीज मान लो इस प्लांट की वैरायटी को लगती है तो वो डिसीज सिर्फ इसी रो को खराब कर पाएगी, ये आगे शिफ्ट नहीं हो पाएगी, बिकॉज ये डिसीज इस प्लांट के हिसाब से नहीं होगी। ऐसा प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है कि वो डिसीज जो है वो आगे स्प्रेड नहीं होगी और डिसीज से जो पूरा फार्म है वो बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग। कहें अगर हम क्रॉप रोटेशन के बारे में, तो साल में
प्री प्लानिंग से वन एक साल में प्री प्लानिंग से हम अगर क्रॉप्स उगाएं कि भाई पहले ये उगाना है, इतने पीरियड के बाद ये वाला क्रॉप उगाना है, अगर प्री प्लानिंग से अगर हम ये क्रॉप का रोटेशन करें तो एक साल में हम ज़्यादा क्रॉप, है ना, तीन की जगह चार क्रॉप या दो की जगह तीन क्रॉप जो है वो उगा सकते हैं. सो दैट वॉज द बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन. कमिंग टू क्रॉप प्रोडक्शन या प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की, तो क्रॉप को प्रोटेक्ट क्यों करना है और किस लिए करना है, तीन रीजंस की वजह से. एक है वीड्स, दूसरा है पेस्ट, तीसरा है डिसीजेस. वीड्स क्या होते हैं भैया? अनवांटेड प्लांट्स इन द फार्म. हमारे हमने लगाया गेहूं और उसमें आ गया जैंथियम, उसमें आ गया ये पार्थेनियम, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे ऐसे अनवांटेड प्लांट्स हैं जो उग जाते हैं बिन बुलाए मेहमान. तो इनको या तो मैकेनिकल वे से रिमूव करते रहो या तो फिर 2,4-D जैसे पेस्टिसाइड्स, सॉरी जो हर्बिसाइड्स है वो यूज़ कर सकते हैं, है ना. तो यहाँ पर वीड्स को रिमूव करना भी ज़रूरी है. क्यों रिमूव करना है? क्योंकि वो हमारे जो हमने न्यूट्रिएंट्स ऐड किए हैं और हम जो जो क्रॉप लगाए हैं उसके साथ वो कम्पीट करेंगे, कॉम्पिटिशन करेंगे, उनका जो स्पेस है वो यूज़ करेंगे, उनका न्यूट्रिएंट्स यूज़ करेंगे, तो वो अच्छा नहीं है. तो इनको निकाल फेंकना ज़रूरी है, है ना. तो इसके लिए हम हर्बिसाइड यूज़ कर लेंगे. इसके बाद पेस्ट. पेस्ट क्या करेंगे? हमारे जो क्रॉप्स है उसकी यील्ड को कम करेंगे, है ना, प्रोडक्शन कम करेंगे, उसके फ्रूट्स को खा जाएंगे, उसके रूट्स को ख़राब कर सकते हैं. तो पेस्ट को भी रिमूव करना ज़रूरी है. इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे. डिसीजेस भी बहुत सारे हो सकते हैं, जो बैक्टीरियल होंगे, फंगल होंगे, वायरल होंगे, तो उसके लिए भी हमको जो ये पेस्टिसाइड है वो यूज़ कर सकते हैं, ओके. और यहाँ पर स्टोरेज की जब बात आती है तो फिर स्टोरेज भी बहुत ज़रूरी है. स्टोरेज इज़ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि क्रॉप हमने इतनी मेहनत से उगाया, हार्वेस्ट किया, सब कुछ किया, पर उसके बाद अगर उसका ख्याल नहीं रखा तो क्या हो सकता है, उसमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है. क्रॉप्स अगर हार्वेस्ट कर लिया हमने, उसके बाद में उस उन ग्रेन्स को उनको क्या करना होता है, धूप में बराबर उनको क्लीनिंग करनी है, वॉशिंग करनी है, फिर धूप में उनको सुखाना है, फिर छाँव में सुखाना है. उसके बाद जब हम उसको रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो जहाँ पर स्टोर कर रहे हैं उस पार्ट को भी क्लीन रखना है, है ना, और वहाँ पर भी फ्यूमिगेशन प्रोसेस करना है जिससे कि जो उसके अंदर के जर्म्स है वो सारे मर सकें, है ना. तो ऐसा बहुत सारी प्रोसेस स्टोरेज में भी बहुत वेस्टेज हो सकता है, उसको हमको यहाँ पर बचाना ज़रूरी होता है. और इस पार्ट में हम करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री. व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री? क्या किया जाता है यहाँ पर? साइंटिफिक तरीके से एनिमल्स को पालना पोसना ताकि हमको उससे कुछ रिटर्न में मिल सके, ठीक है. तो यहाँ पर हमको इस चैप्टर में कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन और बी कीपिंग दिया हुआ, यानी कि एपिकल्चर, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं विद कैटल फार्मिंग. कैटल फार्मिंग में अब ऑब्वियसली यहाँ पर लाइव स्टॉक कौन सा है, काऊ है, बफेलो है, ये मेनली काऊ एंड बफेलो का ही यहाँ पर हम बात करने वाले हैं. तो इसमें देखो जो वेराइटीज़ है, वेराइटीज़ क्या क्या दिया हुआ है, देखो बॉस इंडिकस, बॉस ड्यूबालिस, ये साइंटिफिक नेम है काउस एंड बफेलोस का रिस्पेक्टिवली, यानी काऊ का है बॉस इंडिकस, बफेलो का है बॉस ड्यूबालिस. अब और भी वेराइटीज देखो यहाँ पर, कुछ ऐसे इसमें एनिमल्स हैं या इसमें से जो मेल्स जो होते हैं वो किस काम में आते हैं, मेल्स आर, है ना, वजन ढोने के काम में, फार्मिंग के काम में, यानी ड्रॉट एनिमल्स कहते हैं उनको, जो हमारे बुलक कार्ट्स हमारे फार्म में इनका यूज किया जाएगा, ठीक है, प्लोइंग एंड ऑल पर्पस के लिए. सो दे आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स, जो इनमें के मेल्स होंगे. और जो फीमेल्स होंगी जो मेनली मिल्क प्रोडक्शन के लिए काम में आएंगी, दोज आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स. याद रखना, ड्रॉट एनिमल्स ये मेहनत मजदूरी का काम करेंगे जो मेल्स होंगे, और जो फीमेल्स हैं वो मिल्च एनिमल्स, मिल्क प्रोडक्शन के लिए वो लोग काम करेंगे, है ना, मिल्क प्रोडक्शन देंगी. अब यहाँ पर एक और तरीके से इसको क्लासीफाई किया जा सकता है, लोकल ब्रीड और फॉरेन ब्रीड. फॉरेन ब्रीड को एग्जॉटिक ब्रीड भी कहते हैं. तो भैया ये हो गया देसी और ये हो गया विदेशी. जब देसी की बात करते हैं, देसी वाले में कौन सा आएगा भाई? कैटल्स, इसमें आता है रेड सिंधी और इसमें आता है साहिवाल, ठीक है. फॉरेन ब्रीड की अगर हम बात करें तो इसमें आता है ब्राउन स्विस, ब्राउन शुगर नहीं भैया, ब्राउन स्विस, और इसमें आता है जर्सी, वेरी फेमस जर्सी, देखा होगा आपने जर्सी गाय का, है ना, काफ़ी एडवर्टिजमेंट में भी दिखाते हैं घी वी के ऐड में, है ना, ये ब्राउन ब्राउन पैचेस होते हैं जर्सी के, सब वाइट गाय रहते हैं, ब्राउन ब्राउन पैचेस बड़े से होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर लोकल और फॉरेन ब्रीड की इनकी भी खासियत देख लो. जो लोकल ब्रीड है ना,
हमारे जो देसी ब्रीड है उनका, वो लोग काफ़ी हद तक डिसीज रेजिस्टेंट होते हैं, बीमारी से लड़ने की ताकत काफ़ी होती है इनके अंदर, ठीक है। और जो फॉरेन ब्रीड्स है ना, इनका लैक्टेशन पीरियड काफ़ी लंबा होता है, यानी कि ये जो दूध देने का जो पीरियड होता है ना बहुत लंबा होता है, किसका, फॉरेन ब्रीड्स का। तो इसके लिए काफ़ी टाइम हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं और ऐसी वैरायटी ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं जिसमें डिसीज रेजिस्टेंट भी होंगे जो, और जो लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड भी बेयर करते होंगे, ठीक है। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग से अचीव किया जा सकता है। इसके बाद अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भैया इनको कैसे संभाला जाता है, फूड, शेल्टर, डिसीजेस, मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर याद रखना कि प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज देना ज़रूरी है, प्रॉपर रूफ होना चाहिए उनको, गर्मी ठंडी इन सब से बचाना है ना। और इसके अलावा जो उनका फ्लोर होता है इनके तबेले का या कैटल शेड का, वो स्लोपी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत स्लोपी, इतना स्लोपी नहीं पर थोड़ा स्लोपी, ताकि वो हमेशा ड्राई रहे, है ना भाई। उन लोग सुसु टट्टी पट्टी करते रहते हैं तो वो क्लीन रहना ज़रूरी है, ड्राई रहना ज़रूरी है, ओके। और रेगुलर ब्रशिंग, अब ऐसा नहीं कि टूथब्रश, लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनमें टीक्स एक्सो पैरासाइट सब लग जाते हैं, तो उसको क्लीन करना जो है, नहलाना धुलाना ज़रूरी है, ओके। फूड, फूड कैसा होना चाहिए इनका, कैटल्स का, इसमें दो टाइप की कंटेंट्स होने ज़रूरी है, एक है रफेज, दूसरे को कहते हैं कंसनट्रेट। जो रफेज होता है ना, वो जनरली मतलब वो फाइबर कंटेन करता है, मतलब घास फूस जो हम खिलाते हैं उनको, दैट इज़ कॉल्ड रफेज, और ये उनके रेगुलर जो हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। और जो कंसनट्रेट है ये मेनली किसके लिए ज़रूरी है, जो मिल्क एनिमल्स हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इसी से हो पाएगा, इसमें काफ़ी मतलब प्रोटीन और मतलब दूसरे न्यूट्रिएंट्स आप विटामिन एंड ऑल कह सकते हो, ये कंसनट्रेट में होता है और ये मिल्क एनिमल्स के लिए ज़रूरी है ताकि अच्छा मिल्क प्रोडक्शन मिल सके, ठीक है। इसके अलावा और भी उनको ऐसे डाइट उनको उनके लिए भी दिया जाता है जिससे कि काफ़ी अच्छा मिल्क प्रोडक्शन हो सके, ओके। तो रफेज ये कंटेन करता है फाइबर, और कंसनट्रेट में फाइबर कम होता है, प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, ओके। अगर हम बात करें इनके डिसीजेस की, इनके बॉडी पे कौन से डिसीजेस लग सकते हैं, तो भैया पैरासाइट्स बॉडी के अंदर भी बाहर भी, ये दोनों टाइप के पैरासाइट्स इनकी बॉडी पे लग सकते हैं, ठीक है। अंदर बॉडी के होंगे तो एंडोपैरासाइट, बाहर होंगे उनके स्किन पे होंगे तो स्किन डिसीजेस कॉज करेंगे, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टमक इंटेस्टाइन और लीवर के लिए भी इनके मतलब उनमें भी क्या बोल सकते हो आपकी इन्फेक्शन हो सकता है या जर्म्स लग सकते हैं, तो उसके लिए भी इनको दवाइयाँ देना ज़रूरी है, ताकि अगर समझो ये चीज़ इनको अफेक्ट कर गई ना, तो ऑब्वियसली इनका जो रेगुलर रूटीन है वो डिस्टर्ब होगा, ये ठीक से खाना पीना नहीं खाएंगे, ठीक है, प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे और डेथ भी हो सकती है इनकी, ठीक है। और अगर हम बात करें इनमें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन दिया जाता है वायरल एंड बैक्टीरियल, ये दो टाइप की डिसीजेस के लिए इनको वैक्सीन भी दिए जाते हैं, अगर हम बात करें कैटल्स की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैटल फार्मिंग। नेम याद रखना, यहाँ पर लोकल वेराइटी में रेड सिंधी, सहीवाल, और फॉरन में ब्राउन स्विस और जर्सी, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो आप, नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है भाई, मुर्गी पालन है ना। तो इसके अंदर भी कुछ वेराइटीज, जैसे कि अगर वो एग प्रोडक्शन के काम आ रही है तो ये हो गए लेयर्स, उनको कहा जाता है लेयर्स। और अगर एग्जैक्टली उनको मीट प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उन पोल्ट्रीज को ब्रॉयलर्स कहा जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा लेयर्स फॉर कमर्शियल एग प्रोडक्शन, ब्रॉयलर्स फॉर कमर्शियल मीट प्रोडक्शन, ओके। इनमें भी लोकल और फॉरेन ब्रीड्स होती है ना, लोकल और एग्जॉटिक। लोकल में असील याद रखना एग्जाम्पल, और फॉरेन में याद रखना लेग हॉर्न, ठीक है। इनमें भी लोकल और फॉरेन का क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है फॉर डिजायर्ड ट्रेड्स, डिजायर्ड कैरेक्टर ऑब्टेन करने के लिए, है ना, ताकि ज़्यादा कुछ जो एग प्रोडक्शन के लिए हैं उनमें एग प्रोडक्शन की एबिलिटी बढ़े, जो मीट वाले हैं जो ब्रॉयलर्स हैं उनमें मीट बहुत जल्दी वो डेवलप कर जाएँ, कोई भी नॉर्मल फूड में भी वो डेवलप कर जाएँ, ठीक है। उनमें लो मेंटेनेंस हो, ऐसा वेराइटी मतलब डिसीज रेजिस्टेंट एंड ऑल, इस तरह की वेराइटी ऑब्टेन करी जाए, ऐसे डिजायर्ड कैरेक्टर्स के लिए क्रॉस ब्रीडिंग भी करी जाती है लोकल और फॉरेन, मतलब डिफरेंट वेराइटीज में, ठीक है। यहाँ पर भी जरूरी है भैया क्लीनिंग, शेल्टर फैसिलिटीज, ठीक है, रनिंग वाटर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई उसमें इन्फेक्शन उसी के थ्रू फैल जाए एंड ऑल, ठीक है। इसके अलावा जो फूड हैबिट्स की बात करें, तो स्पेशली अगर हम ब्रॉयलर्स की बात करें तो उनका और लेयर्स का फूड हैबिट्स अलग अलग होता है। ब्रॉयलर्स में प्रोटीन, फैट,
विटामिन ए और के का जो लेवल है ये चीज़ हाई होनी चाहिए, उस हिसाब से उनको फूड दिया जाता है। स्पेशली देखो इनको ना न्यूट्रिएंट्स के लिए ना ड्राई फिशेस भी दिए जाते हैं, सूखे सूखे फिशेस के जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो दिए जाते हैं ताकि ये अच्छा नरिशमेंट इनको मिल पाए। और प्रोटीन क्यों और फैट क्यों, ये जल्दी ब्रॉयलर्स मतलब क्या जल्दी ग्रो करें और इनकी इनका वेट जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वेट बढ़ाया जा सके। क्रॉस ब्रीडिंग भी ऐसी करी जाती है वेट को इंक्रीज करने के लिए, कमर्शियल जो प्रोडक्शन है ना मीट का वो बढ़ाया जा सके इनका, मतलब ये भी हेल्दी रह सकें इसके लिए, इनके लिए भी ध्यान रखना ज़रूरी है। डिसीज़ भाई फूड ये सारी चीज़ों पे, ठीक है, डिसीज़ से बचाने के लिए डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किए जाते हैं पोल्ट्री फार्म्स में, ठीक है। इसके अलावा वैक्सीनेशंस, यहाँ भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को बचाने के लिए, है ना, नहीं तो अगर वो समझो मरे नहीं भी तो उनका हेयर्स मतलब जो उनका फेदर्स है वो निकल जाएगा, तो उसका जो कमर्शियल वैल्यू है वो चीज़ कम हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है इनका भी प्रॉपर ध्यान रखा जाए तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अगर हम बात करें फिश प्रोडक्शन की, फिश प्रोडक्शन में क्या क्या है, देखो फिश के बारे में कहा जाता है कि भैया ये चीप एनिमल प्रोटीन का सोर्स है, चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन, है ना, बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन मिल सकता है फिशेस से। अब फिशिंग की अगर हम बात करते हैं तो भाई इंडिया आपको पता होगा कि 7,500 का किलोमीटर का हमारा जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, ये कोस्ट लाइन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है अगर हम फिशिंग की बात करें। फिशिंग भी भैया दो टाइप की हो सकती है, कैप्चर फिशिंग, कल्चर फिशिंग। कल्चर फिशिंग यानी क्या, जहाँ पर हम एक्चुअली एक रिजर्वायर सेट करते हैं, बनाते हैं और उसमें हम फिशेस को क्या करते हैं, फिशेस को वहाँ पर हम उनके सीडलिंग्स डाल के उनको पूरा डेवलप करते हैं, उनको रेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कल्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग में क्या किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें सीधे वाटर बॉडीज में जाना है, नेट डालना है, फिश पकड़ के ले आना, दैट इज कॉल्ड कैप्चर फिशिंग, ठीक है। फिशेस दो टाइप की हो सकती है, एक मराइन यानी कि जो खारे पानी की होती है और एक जो मीठे पानी की फ्रेश वाटर वाली, दो टाइप की, राइट। तो कैप्चर फिशिंग में हमको कोई मेहनत नहीं है, सीधे जाके नेट डाल के और फिश पकड़ना है। लेकिन दूसरा जो यहाँ कल्चर फिशिंग है, इसमें क्या करना होता है, इसमें पूरा रिजर्वायर बना के सीडलिंग्स डाल के यानी फिश के अंडे डाल के उसके अंदर फिशेस को रेयर किया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है और तब जाके फिश ऑब्टेन होती है, दैट इज कॉल्ड कल्चर फिशिंग। और इसमें भी आजकल अभी दो तरीके हैं, एक फ्रेश वाटर वाली फिशेज अगर रेयर करी जा रही हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्वा कल्चर, और अगर मराइन वाटर वाली फिशेस खारे पानी वाली मछली अगर वहाँ कल्चर की जा रही है दैट इज कॉल्ड मैरी कल्चर, ठीक है। एक्वा कल्चर फॉर फ्रेश वाटर फिशेस, मैरी कल्चर फॉर मराइन वाटर फिशेस, ठीक है। मराइन वाटर फिशेस का कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे पॉम्फ्रेट। अब ये पॉम्फ्रेट जो है इसको पॉपलेट कहा जाता है यहाँ पर बॉम्बे में अगर हम बात करें, ठीक है। मैकेरल, ट्यूना, बॉम्बे डक जिसको बोम्बिल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिश कल्चर विथ राइस क्रॉप यानी पैडी क्रॉप्स के साथ, आपको पता होगा राइस क्रॉप के फील्ड में बहुत सारा पानी, ठीक है, यूज़ हो मतलब रिक्वायर्ड होता है, तो उस पानी में हम फिशेस को भी ग्रो करा सकते हैं और वहाँ से भी फिश का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। अगेन यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्या है ये, दिस इज कंपोजिट फिशिंग। अब कंपोजिट फिश कल्चर में क्या किया जाता है ना कि एक ऐसा रिजर्वायर बनाया जाता है, मान लो ऐसा तालाब बनाया जाएगा जिसमें डिफरेंट टाइप की फिशेस, 5 या 6 वेराइटीज़ की फिशेस यूज़ करी जाएंगी और वो 5-6 वेराइटीज़ जो है 3 टाइप में डिवाइडेड होंगी, एक जो सरफेस पे रहना पसंद करती है और एक जो ज़्यादातर मिडिल जोन में रहती हैं और एक वेराइटी जो सबसे बॉटम जोन में रहती है। तो ऐसे 3 वेराइटी की फिशेज जो है वो यहाँ पर ग्रो करी जाएंगी। सरफेस वाटर, अब इससे फ़ायदा क्या होगा ना, जो हम फूड डालेंगे उनको, जो हम चारा डालेंगे ना, वो ये लोग आपस में कम्पीट बहुत कम करेंगे, ये लोग खाएंगे सरफेस वाले, जो बचेगा वो नीचे जाएगा और जो उनसे बचेगा वो सबसे नीचे जाएगा। इस तरीके से चारा जो है, जो फूड है वो वेस्ट नहीं होगा, राइट। तो ये इसको कंपोजिट फिशिंग कहा जाता है। 3 टाइप के फिशेस यूज़ किए जाते हैं, सरफेस जोन, बॉटम जोन और मिडिल जोन जो एरियाज हैं उनके टाइप की, उस टाइप की। तो यहाँ पर सरफेस जोन का एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे काटला सरफेस जोन, ये ऊपर की तरफ रहना ज़्यादा पसंद करती है। मिडिल जोन में याद रखना रोहू और बॉटम जोन में मृगाल, कॉमन कार्प, ये दो टाइप के ऐसे बॉटम जोन में आप याद रख सकते हो, ठीक है, जो नीचे की तरफ रहना पसंद करती है। तो कंपोजिट फिशिंग भी एक बेस्ट फिशिंग का एक आइडिया हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बी कीपिंग की, लास्ट है यहाँ पर बी कीपिंग, एपीकल्चर भी कहा जाता है इसको,
और मेनली बी कीपिंग क्यों किया जाता है भैया, हनी और वैक्स की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, हनी तो भाई एडवांटेज है ही बहुत सारा, इसके अलावा वैक्स का भी यूजेस जो है, मेडिसिनल यूजेस भी है वैक्स का। ओके, तो ये याद रख सकते हो। इसके बाद वेराइटीज ऑफ बीज, बीज की वेराइटीज की अगर हम बात करें, ठीक है, साइंटिफिक नेम देखिए, एपिस सिराना इंडिका जिसको कहा जाता है इंडियन बी, कॉमन नेम है इंडियन बी। फिर रॉक बी का साइंटिफिक नेम है एपिस डॉर्सेटा, लिटिल बी का साइंटिफिक नेम है एपिस फ्लोरा, और इटालियन बी, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इटालियन बी का साइंटिफिक नेम है एपिस मेलिफेरा, और इसको सबसे ज्यादा कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए ना इटालियन बी यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इटालियन बी आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना क्या क्या हो सकता है। इटालियन बी को जनरली हम क्यों यूज करते हैं फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन, तो उसका पहला फायदा है कि ये ना इनका हनी कलेक्शन कैपेसिटी हाई होता है, दे हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी। ठीक है, दूसरा दे स्टिंग समवॉट लेस, ये जो है इनका डंक जो है वो काफ़ी मतलब उतना जोरदार नहीं होता और कम काटती हैं। ठीक है, स्टिंग समवॉट लेस। उसके बाद दे स्टे फॉर लॉन्ग पीरियड इन अ गिवन बी हाइव, किसी भी बी हाइव में ये ज़्यादा टाइम तक रहती हैं कंपेयर टू अदर बीज। ठीक है, और इनका जो ब्रीडिंग कैपेसिटी है वो भी अच्छा है, दे ब्रीड वेरी वेल, बहुत जल्दी जल्दी ये इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा और उतना ही हनी फिर हमको मिल पाएगा। तो ये सारे रीजंस हैं जो इसको सबसे खास बनाते हैं, याद रखना व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ इटालियन बी आ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा ऐसा नहीं कि हनी का क्वालिटी सब सेम रहता है, अलग अलग हनी मतलब क्वालिटी की हनी हो सकती है, और वो हनी की क्वालिटी ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है, बी से पे उतना डिपेंड नहीं करती जितना वो पैश्चरेज और फ्लावर पे, आसपास का जो फ्लावर सिस्टम है कैसा वहाँ का घास फूस या वहाँ का नेचर है उस पर डिपेंड कर रहा है। जितनी वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स होंगे उतना अच्छा यहाँ पर हनी जो है उसकी क्वालिटी हो सकती है। ओके, तो भैया होप्स कि भैया हमने यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री को अच्छे से कर लिया है। इसके अलावा ज़रूरत है आपको एक बार बस टेक्स्ट बुक पर आप नज़र घुमा लोगे ना तो ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर हो जाएगा। इसमें मतलब इतना ख़तरनाक ऐसा कोई चीज़ तो है नहीं, ये जो लास्ट के चैप्टर्स है आप नेचुरल रिसोर्सेज का हो या फिर आपका इम्प्रूवमेंट है, सिंपल चैप्टर्स है, लेकिन इसमें से काफ़ी चीज़ें आपको एग्जाम में आ सकती है, तो इसको हम इतना लाइटली भी नहीं ले सकते। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।